हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम एसर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं उसका एक्सरसाइज हल करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो के अंतर्गत आपको इतनी बातें सिखलाई जा चुकी हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया हो तो उसको एसर्टिव में कैसे ट्रांसफॉर्म करें। विभिन्न मॉडल उसमें बताए गए हैं, हाउ और व्हाट से शुरू होने वाले, एला से शुरू होने वाले, होना से शुरू होने वाले, ब्रेवो से शुरू होने वाले, या ऐसे ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब सब गए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, एसर्टिव सेंटेंस क्या होता है, ये इसके पहले वाले में आपको सिखलाया गया कि एसर्टिव सेंटेंस दिया तो आप एक्सक्लेमेटरी कैसे बनाओगे और उसी का अभ्यास यहां दिया। चलिए देखते हैं। दूसरे की जो वेरी ब्यूटी साफ बहुत फियरफुल भयावह है। अब इसके लिए जहां वेरी फियरफुल लगा हुआ है ग्रेट करके कुछ आया हो वहां पर आप उस वाक्य को हाउ और व्हाट से शुरू किया। वाट लगाएंगे तो उसके बाद ए और एन आएगा। जैसे हाउ फियरफुल, इस एडजेक्टिव को ले आइए, वेरी को हटाइए, वहां हाउ डालिए, सबसे पहले वही डालिए, हाउ फियरफुल, कितना भयावह दिस स्नेक इज सांप है, या वाट ए फियरफुल दिस स्नेक इज, वाट ए फियरफुल दिस स्नेक इज, दी ताज इज ए वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, इस वेरी को हटाया या हाउ लगाया, वाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, आगे कर दी वाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग और दी ताज इज या इज दी ताज, दोनों लिखे तो सही है, इज आगे कर लेंगे दी तीन ताज पीछे करें तभी हो जाए। या हाउ से बनाया तो हाउ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ठीक, हाउ ब्यूटीफुल बिल्डिंग दी ताज इज, हाउ ब्यूटीफुल बिल्डिंग दी ताज इज, आई विश दैट आई कुड सी माई मदर नाउ, मेरी इच्छा है, हार्दिक इच्छा, इट इज माई हार्टिएस्ट डिजायर दैट आई कुड सी माई मदर नाउ, उड से इफ वन लिस, इफ वन लिस, उड दैट, उड दैट, कोई लगा के प्रयोग कर लीजिए, इफ वनली आई कुड सी माई मदर नाउ दिस मदर, काश केवल मैं अपनी माँ से मिल पाता, या उड दैट आई कुड सी माई मदर, ओ दैट आई कुड सी माई मदर, क्लियर। उसके बाद आई विश दैट दे वेयर सेफ, मेरी कामना है कि वह सुरक्षित होते, आई विश हटाई वहां लिखी उड दैट दे वेयर सेफ, उड दैट दे वेयर सेफ, और लास्ट में उसमें गलत चीज, इट इज ए मैटर ऑफ सारो, दुख की बात है, दैट से डैड सो यंग, वह कम उम्र में मर गए, इट इज ए मैटर ऑफ सारो, या इट इज वेरी सैड भी होता तो भी यही आप समझते हैं, तो उसको इट इज ए मैटर ऑफ सारो हटाए वहां एलास डाल दिया, एलास का मतलब ये होता है दुख की बात है, एलास से डैड सो यंग, इट इज ए मैटर ऑफ जो है आनंद की बात है, दैट माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, मेरा पुराना मित्र आया है, इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, तो हुर्रा प्रसन्नता की बात है, माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज प्रशंसा की बात है, दैट यू हैव डन वेल आपने अच्छा किया, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज को हटा लीजिए और वहां लिखे ब्रेव हो, ब्रेव साबस वाकर, ब्रेव हो यू हैव डन, ब्रेव हो यू हैव डन, इट इज ए वेरी गुड आइडिया, बहुत अच्छा विचार है, व्हाट ए गुड आइडिया, कितना अच्छा विचार, आगे आप इट इज लिखें ना लिखें उसका कोई मतलब नहीं, आप लिख सकते हैं व्हाट ए गुड आइडिया इट इज, या हाउ गुड आइडिया इट इज, इट इज वेरी सैड न्यूज, बहुत दुखद समाचार, हाउ सैड न्यूज, कितना दुखद समाचार,
या वाट इज साइन न्यू इज इट या इट इज अपनी तरफ से सब्जेक्ट बना और वर्ड बना. इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल रूल, बहुत सुंदर बोला है. तो वाट ए ब्यूटीफुल रूल इज इट या इट इज, वाट ए ब्यूटीफुल रूल इज इट या इट इज, या हाउ ब्यूटीफुल रूल इज इट. आई विश दैट आई हैड नॉट लेफ्ट, काश मैं घर नहीं छोड़ा हो. ओ दैट आई हैड नॉट लेफ्ट होम, ओ दैट आई हैड नॉट लेफ्ट. यानी इस प्रकार से आप देख रहे हैं एसआईटी जो एक्सक्लेमेटरी में सेंटेंस का इतने मॉडल हो रहे हैं. सेंटेंस वाट और हाउ से शुरू, सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी का प्रसन्नता की बात है तो बुरा है, दुख की बात है ऐराज का प्रयोग, शाबाशी दी गई है तो ब्रेवोल है. विभिन्न तरह जिसमें सब्जेक्ट नहीं है, जिसमें इट इज लगा है, सब्जेक्ट रखे है न रखे, इस तरह की प्रक्रिया इसमें दी है. यानी इस तरह से आप देख रहे हैं कि सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी से एसआईटी में बदल सकते हैं, एसआईटी को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत बदल सकते हैं, ये सारी प्रक्रिया कर सकते. अब इसमें जो विभिन्न तरह के उदाहरण दिए गए हैं वो हार्दिक कामना वाला दिए गए हैं. तो अब उसमें जहां वेरी लगा हो, ग्रेट लगा हो, उसको हाउ और व्हाट से शुरू किया. जहां दुख की बात आई हो वहां एलास का प्रयोग किया, जहां प्रसन्नता की बात आई हो इंटरजेक्शन हो रहा है. हार्दिक कामना की बात हो, कोई हार्दिक इच्छा हो, वुड दैट इफ वन ली ओ दैट, इनसे वाक्य शुरू की, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाई, समझ रहे. अगर इट इज मैटर ऑफ प्रेज की बात हो तो वहां ब्रेवो का प्रयोग किया. इट इज ए मैटर ऑफ ज्वाय की बात हो, प्रसन्नता की बात हो, उदा लगाई. इट इज ए मैटर ऑफ सारो या इट इज वेरी सैड आया हो, क्लियर.